Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हिंदू नव वर्ष स्टार्ट हो गया और उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आए, मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आए। और नव वर्ष स्टार्ट होते ही मार्केट ने पॉजिटिविटी के संकेत देने शुरू कर दिए। हमने देखा कल फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनी। क्रूड रशिया से कम भाव पे मिलेगा, डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेगा। इसके अलावा GST की करीब करीब 1.5 लाख करोड़ की GST का एक बम्पर कलेक्शन आया। और ये दो मेजर खबर ऐसी थी जो मार्केट को एक जो बहुत तंग कर रहा था हमारा लेवल, अंगद का पांव जिसको लोगों ने नाम दे रखा था 17529। हाँ दोस्तों, मंथली रेजिस्टेंस 17529। हालांकि एक्सपायरी वाले दिन भी थर्सडे को भी मैं बहुत वॉच कर रहा था, मार्केट ने बहुत कोशिश करी 17529 के ऊपर रहने की, लेकिन लास्ट में नीचे ही बंद हुआ और हमारी जो मंथली कैंडल है वो 17529 के नीचे ही 31 मार्च को बंद हुई। लेकिन 1 अप्रैल को नई पॉजिटिविटी बनी और एक जबरदस्त तेजी के साथ 17529 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट ने क्रॉस करके बंद किया। अब बात आती है कि क्या हम बुल मार्केट में आ गए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ट्रेडर्स के कॉल, व्हाट्सएप भरे पड़े हैं, सर क्या लगता है? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ये क्लैरिटी कराऊंगा कि बेसिकली स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए हमें स्टॉक मार्केट के साथ स्टॉक मार्केट में ही उतरना पड़ता है। किताबों से हम स्टॉक मार्केट को पढ़ सकते हैं लेकिन सीखने के लिए तो स्टॉक मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। और शायद यही उद्देश्य है तैयारी अगले सप्ताह का, जो हम हर हफ्ते आपके साथ पिछले 2.5 सालों से आपको हर हफ्ते मार्केट की बारीकियों को समझाते हैं, मार्केट की हर करवट के पीछे क्या रहस्य है उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रयास मेरा रहता है कि जो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, अब बात आती है 17529 क्रॉस हो गया तो अब हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज़, दो चीज़ का हमें बहुत खास ध्यान रखना है। नंबर वन, 17529 जो मेजर लेवल है वहाँ से मार्केट ऊपर आया है। इस समय अगर आप देखोगे वीकली कैंडल्स भी बुलिश हो चुकी होंगी, डेली कैंडल तो वैसे ही बुलिश होगी। तो अब जब वीकली भी बुलिश है, डेली भी बुलिश है और हम मंथली के ऊपर हैं, तो जितने इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, फिर से बोल रहा हूँ, जितने कम इंटरवल वाले जो ट्रेडर्स हैं, जो कम अवधि का ट्रेड करते हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स, वो अब अपनी बास्केट्स बुलिश बास्केट्स बनाएंगे। बुलिश बास्केट्स का मतलब जो हम बास्केट बना के चलते हैं, 4 ट्रेड की बास्केट जिसके अंदर अभी तक हम क्या करते थे, 3 सेल 1 बाय, अब हम करेंगे 3 बाय 1 सेल। अभी चेंज हो गया 17529। ये अहमियत है एक मेजर लेवल के क्रॉस होने की। लेकिन ये बात मैंने बताई है केवल किसके लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स के। अब बात आती है जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनका क्या। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स को
अभी वेट करना है। 17529 के ऊपर मार्केट एक दिन बंद हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, मार्केट को एक रेजिस्टेंस लेवल अगर क्रॉस करता है उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो वेट करेंगे और देखेंगे कि 17529 के ऊपर क्या हम सस्टेन कर पाते हैं। वो अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, वो पूरा बहुत बढ़िया आता है। तो उसके अंदर नटशेल में कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो मैं भी यही कहूँगा कुछ दिन तो गुजारो 17529 के ऊपर। हाँ, तो ये बहुत खास निगाह रहेगी इस लेवल के ऊपर। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है 7-8 दिन, तो जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, देखो 7-8 दिन एक उन लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता जिनको ट्रेड करना है 4 महीने 6 महीने साल भर के लिए, क्योंकि वो पोजीशन लेके बैठते हैं, पोजीशन लेके उसको चलाते हैं। हमने देखा था जब हमने 18,600 का हाई लगा हुआ था और उसके बाद 18,200 18,100 के आसपास हमने जो है उसको मंथली जब हमारा बेयरिश हुआ था तो हमने उसको जो बेयर चलाया, जो वो बेयर ट्रेंड अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हुआ और वो 18,200 से नीचे जो है करीब 16,000 तक के इंडेक्स लगे, करीब करीब 2 से 2,500 निफ्टी या करीब करीब 10,000 पॉइंट सेंसेक्स लुढ़का। तो जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स है उसका स्टॉप लॉस भी बड़ा है और उसका टारगेट भी बहुत बड़ा है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता 4-5-7-8 दिन वेट करने के लिए। ये पेशेंस है जो एक ट्रेडर को रखनी चाहिए। कहते हैं पेशेंस पेज एवरीवेयर एंड स्टॉक मार्केट इज नो एक्सेप्शन। हाँ दोस्तों, पेशेंस तो रखना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में अपने को डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो दोस्तों ये तो है अभी का, चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि लास्ट वीक क्या रहा मार्केट, कैसे मार्केट चार्ट्स के ऊपर चला। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 17,670, करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 7,530, करीब 950 पॉइंट नीचे। एक बड़ी गिरावट बहुत दिनों के बाद क्रूड में देखने को आई है, लेकिन अभी भी ये गिरावट तो है लेकिन अभी भी 7530 के क्रूड के रेट कोई कम नहीं होते हैं, अच्छे खासे रेट हैं। हाँ, ऊपर के रेटों से जो 8500 के आसपास पहुंचा हुआ था वहां से ये जरूर 1000 पॉइंट टूटा है। गोल्ड की बात करूं 51,275, करीब 500 पॉइंट टूटा है। गोल्ड भी कुछ नीचे आया है लेकिन अभी भी ध्यान रखें गोल्ड जो है 51,275 ये भी हायर रेंज के पे ही चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि निफ्टी जरूर 500 पॉइंट बढ़ा है लेकिन क्रूड और गोल्ड नीचे आए हैं और क्रूड का जो नीचे आया है रशिया से हमारे को डिस्काउंटेड क्रूड मिलने की बात हो रही है। इसके बाद GST कलेक्शन बहुत तगड़ा आया है। अब अप्रैल में जो हम देखेंगे कि कंपनी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे उसकी एक पॉजिटिविटी मार्केट में रहेगी। तो मेन जो लोगों को एक डर ये है कि ये जो अब मार्केट 17529 के ऊपर आया है तो क्या ये फर्जी तेजी तो नहीं है और या ये असली तेजी है जो अब 18600 को क्रॉस करेगी। तो ये हमको कुछ दिनों में पता लग जाएगा। अगर 17529 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ तो ज़रूर हम 18600 को बड़ी आराम से काट पाएंगे और अगर ये फर्जी तेजी है तो ये भी हमको कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि मार्केट उसको 17529 के ऊपर सस्टेन कर रही है कि नहीं। लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जैसे मैंने आपको बताया 17529 के ऊपर ये सोच के कि नहीं अब मार्केट ये फर्जी तेजी है और यहाँ बेच दो नीचे आएगा, ये नहीं। जब तक क्लियर इंडिकेशंस नहीं है, जब तक लेवल के ऊपर है मार्केट, कोई ब्लैंक सेलिंग आप लोग नहीं करेंगे। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, हमको विक्स, मैंने विक्स को बताया था कि विक्स ने भी एक सिग्नल दिए थे हमको कि मार्केट के अंदर कुछ बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। तो विक्स के जरिए भी हमने देखा कि लास्ट वीक में एक अच्छी खासी तेजी 500 पॉइंट की निफ्टी में बनी है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, हमारा हमने जो व्यू था हमारा वो डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली के ऊपर हम बुलिश थे और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक में ये हमारी मंडे की कैंडल है। मंडे को हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस था
17,289 और एक रेजिस्टेंस था 17,529 और हमारे पास एक सपोर्ट था 16,633। मंडे को मार्केट हमारी खुली यहाँ पर करीब करीब 17,222 पे हम खुले, यहाँ पर 17,222 के ऊपर हम खुले और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी। उसने पहले हमारा 17,289 को तोड़ा और उसके बाद एट लास्ट एक्सपायरी वाले दिन जो है वो बड़ी, यहाँ पर आपने देखा थर्सडे को हमारे जो लेवल हैं 17,529 उनके साथ बड़ी लड़ाई चली है एक्सपायरी वाले दिन और एग्जैक्टली वहीं से 17,529 से ही मार्केट वापस नीचे क्लोज हुआ। लेकिन अगले दिन फ्राइडे को एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ 17,529 को क्रॉस करके बंद हुआ। तो इन नटशेल हमको कोई भी निफ्टी के अंदर एटलीस्ट सेलिंग के ट्रेड्स तो बिल्कुल नहीं मिले और ना हमको करने थे, क्योंकि हम इसके अंदर केवल सेलिंग के ट्रेड ढूंढ रहे थे। सेलिंग के ट्रेड हमको निफ्टी में नहीं मिले, हमने कोई निफ्टी के अंदर सेलिंग नहीं करी। अब हम वेट करेंगे, देखेंगे कि कब तक हमको निफ्टी में ट्रेड करने का मौका मिलता है। हालांकि एक क्वेश्चन और आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर निफ्टी के अंदर हमारे पास मौका नहीं है, अब अगर हमको पता है कि निफ्टी मंथली के ऊपर बेरिश है या वीकली और डेली के ऊपर बुलिश है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं निफ्टी में, तो क्या हमें मार्केट में ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि अगर निफ्टी का लॉन्गर लेवल, अगर निफ्टी का बड़ा इंटरवल का जो लेवल है यानी कि मंथली लेवल, अगर इंडेक्स मंथली लेवल के ऊपर है तो हमको बुलिश बास्केट्स बना के चलनी है उन स्टॉक्स के साथ जिनके अंदर यूडीटीएस पैरामीटर बुलिश हैं, और वो एक स्टॉक चुनना है जिसमें यूडीटीएस पैरामीटर्स के हिसाब से बेरिश वो बन रहा है। तो हम जो चार स्टॉक का जो बास्केट बनाते हैं उसके अंदर हम लेते हैं 3 बुलिश ट्रेड्स और 1 हम लेते हैं बेरिश ट्रेड। तो ये तो बनती है कि जब ओवरऑल निफ्टी बुलिश होता है तो हम बुलिश बास्केट, मैं बार बार बोलता हूँ बुलिश बास्केट बना के चलना है जिसमें 3 ट्रेड बुलिश होंगे और 1 ट्रेड बेरिश होगा। और ये 3 ट्रेड बुलिश कौन से होंगे? जिनके वो 3 स्टॉक्स जो यूडीटीएस पैरामीटर्स के ऊपर 6 पैरामीटर बुलिश हैं, हम उनको बुलिश, हम उनमें बुलिश पोजीशन रखेंगे, और वो स्टॉक जिसके अंदर यूडीटीएस के 6 पैरामीटर्स बेरिश हैं हम उसको बेयर ट्रेड लेके चलेंगे। तो इस तरह से हमारी बास्केट बनती है। और इसी का उल्टा, अगर निफ्टी अपवर्ड है, अगर निफ्टी डाउनवर्ड है तो ऐसे में हमको 3 बेरिश और 1 बुलिश स्टॉक लेके चलना है। तो अब नटशेल में अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अब निफ्टी जो है वो बंद हो गया 17,529। तो जितने भी जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स उनको ये बात का ध्यान रखना है 17,529 के ऊपर उनको बुलिश बास्केट्स बना के चलनी है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ कमिंग न्यूज़ और डाटा इवेंट की बात करूं तो मंडे और ट्यूसडे को चाइना का मार्केट बंद है, और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मंडे को हमारे पीएमआई नंबर्स आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, और ट्यूसडे को हमारे नंबर आएंगे पीएमआई नंबर्स सर्विसेज के। तो इसके बाद अप्रैल में अब हमारे कॉरपोरेट सीज़न चालू हो जाएगा, रिजल्ट सीज़न चालू हो जाएगा, और हमारा फोकस जो है ट्रेडर्स का वो ज़्यादातर हो जाएगा अर्निंग्स की तरफ। तो चलिए चलते हैं अब सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या होगा टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। कॉल 9870510511 और विजिट www.ifmcinstitute.com। तो अब हम आ गए हैं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर और सबसे पहले हम देखते हैं
निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर क्या कहता है? निफ्टी सेंटीमीटर अब हमारा येलो जोन में है और अभी भी आप देखें कि ये हल्का सा बेरिश की तरफ झुका हुआ है, अभी भी ये बुलिश जोन में नहीं आया। हालांकि हम कह रहे हैं कि 17,529 का लेवल निफ्टी क्रॉस कर चुका है। इमोशनल काम करना अलग चीज़ है। जब हम कहते हैं कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको इमोशन लेस होना चाहिए, हमें चार्ट के साथ ही चलना चाहिए, हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही चाहिए। और शायद ये इंट्राडे स्क्रीनर एक मशीन है, एक मैकेनिज्म है जिसके पास कोई इमोशंस नहीं है। और शायद जब मशीन काम करती है बिना इमोशंस के तो शायद वो गलतियां नहीं करती। एक घड़ी, एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, ये सब मशीन हैं, इनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है और वो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। लेकिन इंसान के अंदर सिस्टम तो है लेकिन साथ में एक चीज़ है, वो है इमोशंस। वो इमोशंस क्या करती है? हमको अपने डिसीशन से भटका देती है। हम घबरा जाते हैं, हम फियर हमारे अंदर आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं और इन चीज़ों से हमारे डिसीशंस जो हैं वो वेरी करते हैं। अब यूनिटीज इंट्राडे स्क्रीनर अभी भी हमको हल्का सा बेरिश दिखा रहा है क्योंकि अभी भी जो मंथली चार्ट्स हैं 31 मार्च को जो कैंडल बंद हुई है वो अभी भी पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई। तो स्क्रीनर कहता है मैं डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा। तो चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,436 और वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,181। मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस अभी भी है 17,529। चलिए बैंक निफ्टी देखें। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 36,298.35। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,488.70 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,381.90। आपने देखा कि निफ्टी अभी भी मंथली लेवल्स के ऊपर डाउनवर्ड है लेकिन बैंक निफ्टी तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर जो है वो बुलिश हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी बुलिश और निफ्टी स्क्रीनर के हिसाब से बेरिश। लेकिन अब हमको, ये तो स्क्रीनर है, इसने अपने ऑब्जर्वेशन दे दिए हैं और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको उन ऑब्जर्वेशंस को समझना है। तो चलिए इस ऑब्जर्वेशन को चलते हैं सीधा, समझते हैं चार्ट्स पर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को। लेकिन जाते जाते आपको फटाफट एक सेक्टोरल एनालिसिस की एक झलक दिखाता हूँ जिसमें इस समय सबसे ऊपर जो सेक्टर है वो है केमिकल्स। आपको याद होगा केमिकल्स और आईटी, ये दो ऐसे सेक्टर थे जिसने पूरी तेजी के अंदर सबसे ऊपर यही रहते थे। तो अब वापस केमिकल जो है वो सबसे ऊपर आ चुका है। दूसरे नंबर पर इस समय है बैंकिंग और तीसरे नंबर पर हम आए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। और अब हम देखें कि लास्ट में कौन चला गया। चलिए लास्ट भी देखना जरूरी है। लास्ट में कोई बहुत ज्यादा सेक्टर्स ऐसे नहीं है जो बहुत ज्यादा मंदे में हो। कास्टिंग, फोर्जिंग, रेलवेज, मिसलेनियस, एजुकेशन, टोबैको, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, कोई खास, कोई इतनी जो जबरदस्त तेजी फ्राइडे को बनी है उसके अंदर मेरे को लगता है कि ये एक पूरा का पूरा हजूम चला है सारे सेक्टर्स का और लोगों को ये लगा कि भाई कुछ नहीं मिल रहा तो यही ले लो। तो इस समय हर सेक्टर के अंदर एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। तो इस समय अगर मैं देखूं सेक्टोरल एनालिसिस में कोई बड़ा सेक्टर ऐसा नहीं है जो अभी बेरिश मोमेंटम में हो। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों हम बंद हुए हैं यहाँ पर 17,670 और हमारे नीचे अब एक रेजिस्टेंस 17,529 के हम ऊपर हैं और हमारे पास दूसरा जो सपोर्ट है वो है 17,436।
17,436 का एक सपोर्ट है और उसके नीचे एक सपोर्ट है 17,188। तो जितने भी इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखेंगे, अगर हम 17,529 के ऊपर हैं तो आप बुलिश बास्केट ट्रेड्स बना सकते हैं, जो कि अभी तक आप बेयर बास्केट बनाते थे, नंबर वन। जितने भी लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको अभी मार्केट में एंटर नहीं करना, वेट करना है, मार्केट की चाल को देखना है, जल्दीबाजी ना करें और एटलीस्ट किसी भी हालत के अंदर 17,529 के ऊपर बिल्कुल भी ब्लैंक सेलिंग को अवॉइड करें। अगर आपको सेलिंग करनी है तो जब करें, अगर कम से कम ये तीनों लेवल यानी कि 17,529, 17,536 और 17,188 के नीचे मार्केट अगर आती है तो ही सेलिंग एडवाइजेबल है, जल्दी ना करें, ट्रैप हो सकते हैं। हो सकता है दोनों बातें हो सकती हैं इस समय, या तो फर्जी तेजी है और फर्जी तेजी है तो हम वापस नीचे की तरफ आएंगे जोर से, और अगर ये फर्जी तेजी नहीं है तो तैयार रहिए 18,600 को क्रॉस करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है एपिसोड पसंद आया होगा, लगातार आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं और कोशिश बहुत सारे आ रहे हैं कि सर लाइव ट्रेड के ऊपर वीडियो चाहिए, तो लाइव ट्रेड के ऊपर वीडियो नेक्स्ट वीक में आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटियस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटियस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटियस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटियस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC इज नाउ अ स्कूल ऑफ 10 मिलियन लर्नर्स, अवार्डेड ट्वाइस बाय दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड्स। सो लेट्स बिगिन यूनिटियस ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC।